बस चित्ररेखा, बहुत बोल चुकी तुम। अपने जीवन से संबंधित ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने का तुम्हें कोई अधिकार ही नहीं है पुत्री। तुम्हारे लिए योग्य वर, उचित जीवन साथी ढूंढने का दायित्व केवल मेरा है। अभी आप शांत हो जाइए महाराज। कैसे शांत हो जाओ महारानी? कल सुबह इस राजमहल में स्वयंवर है और आपकी ये लाडली देखिए अपने जीवन साथी का चयन कर चुकी है। आपने पहले क्यों नहीं बताया मुझे ये सब कुछ? बस इसलिए कि पहले हमें ये लगा कि ये इसकी नादानी है, पर आज सभा में हमने जब सम्राट विक्रमादित्य को अपनी आंखों से देखा, तब हमें यकीन हो गया कि मेरी पुत्री के हृदय में पनपा ये आकर्षण अनायास नहीं था। विधाता ने तो सब कुछ तय कर रखा है। पहले से तय, केवल कल प्रातः काल होने वाला स्वयंवर है महारानी, और कुछ नहीं। आपसे विनती है महाराज कि कल होने वाले स्वयंवर को स्थगित कर दीजिए और चित्रलेखा का विवाह सम्राट विक्रमादित्य से कर दीजिए। नहीं, कभी नहीं महारानी। सब कुछ वैसा ही होगा जैसा कि मैंने पहले तय किया था, और ये बात आप दोनों भी अच्छी तरह से समझ लीजिए कि इस स्वयंवर के बिना राजकुमारी का विवाह हो ही नहीं सकता। समय रहते आप दोनों अपनी अपनी इच्छाओं को भुला डालिए। बस पिताश्री, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, हमारे स्वयंवर की शर्त तो यही जीतेंगे और हमारा विवाह भी इन्हीं से होगा। हमारे सपनों के राजकुमार। ये क्या हो गया है? हमें क्यों ऐसा लग रहा है जैसे राजकुमारी चित्रलेखा वहां केवल हमारे लिए आई थी? उस एक पल में उनका ऐसा कौन सा जादू हम पर चल गया कि वो एक पल हमें जन्मों जन्म का पल लगने लगा? क्यों मित्र, क्या सोच रहे हो? कुछ भी नहीं मित्र मारदंड। छुपाइए मत मित्र, मैं पढ़ सकता हूं आपके मन के भाव। ये क्या कह रहे हो मित्र? आपके मन में मोह ने जन्म ले लिया है। मोह किसके प्रति? राजकुमारी के प्रति। सच कह रहा हूं ना मैं? पर कुछ भी हो मित्र, आप अपने दिए हुए वचन के सच को मत भुलाइएगा। मित्र, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमना भूल सकती है, परंतु हम अपने वचन को कभी नहीं भूल सकते। पर उस वचन से होने वाले हित और अहित के विषय में सोचना, यह हमारा धर्म अवश्य है। सोचिए, अवश्य सोचिए, मैं आपको सोचने से नहीं रोकूंगा, परंतु स्वयंवर में भाग लेने से अवश्य रोकूंगा। आप स्वयंवर में भाग नहीं लेंगे, वहां केवल मैं जाऊंगा। आप केवल अपनी योग शक्ति के द्वारा अपने आप को मेरे शरीर में स्थापित करेंगे। बस। और स्वयंवर की शर्त आप पूरी करेंगे? हाँ बिल्कुल, तभी तो मैं विवाह कर सकूंगा राजकुमारी चित्रलेखा से। परंतु ये योग शक्ति का अपमान नहीं होगा मित्र? योग शक्ति का अपमान या राजकुमारी के प्रति उपजे उस मोह का अपमान? नहीं मित्र, हम तो ये सोच रहे हैं कि महाराज धर्मदत्त और राजकुमारी के साथ कोई छल ना हो जाए। मित्र, ऐसा करके छल तो आप हमारे साथ कर रहे हैं। साफ साफ बोलिए कि मोह जाग गया है, तोड़ दीजिए वचन, लौट जाइए वापस। नहीं मित्र, हम यहां लौटने के लिए नहीं आए। तो फिर इस शुभ अवसर पर ये धर्म अधर्म, छल माया, मान अपान जैसी अशुभ बातें मत कीजिए। राजकुमारी को पाने से बड़ा सम्मान दूसरा कुछ भी नहीं है मेरे लिए। आप केवल अपने वचन को पूरा करने के लिए अपने मन को तैयार कीजिए।
बाकी जो होगा मैं देख लूंगा। स्वामी, आज आपके आ जाने से संसार में ये बात सिद्ध हो गई कि सच्चे प्रेम और विश्वास की ही जीत होती है। आप प्रेम की डोर से बंधे हुए हमारे स्वयंवर में आए, हम आपके ऋणी हुए। परंतु राजकुमारी, स्वयंवर की शर्त यदि किसी अन्य राजकुमार ने पूरी कर दी तब? विधाता ने ऐसा कोई लेख ही नहीं लिखा। हम जानते हैं कि हमारे स्वयंवर की शर्त केवल सम्राट विक्रमादित्य ही पूरी करेंगे। राजकुमारी, राजकुमारी, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। बोलो। सम्राट विक्रमादित्य स्वयंवर में भाग नहीं ले रहे हैं, उनके स्थान पर उनके मित्र मार्तंड भाग लेंगे और वे उनका सहयोग करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा विश्वास नहीं टूट सकता। पुत्री, कहाँ जा रही हो इस तरह सुद्बुद खोकर? स्वयंवर स्थल पर माँ। क्यों, किस लिए? ये पता करने कि जिसकी हमें वर्षों से प्रतीक्षा थी, वो हमारे जीवन के द्वार पर आकर भी हमारे जीवन की निर्णायक घड़ी से अलग क्यों हो गए? पुत्री, तेरी बातें मुझे समझ में नहीं आती। मां, सम्राट विक्रमादित्य हमारे स्वयंवर में आए तो अवश्य हैं, किसी के साथी बनकर स्वयं भाग लेने नहीं, किंतु हम भी नियति के इस क्रूर मजाक को सहन नहीं करेंगे। हमारे वर वही होंगे, चाहे वो स्वयंवर में भाग लें अथवा ना लें। बस हम उन्हें अपना निर्णय बताने जा रहे हैं। जा बेटी जा, मैं तुझे नहीं रोकूंगी, लेकिन एक बेटी को विदाई देते समय माँ उसके आंचल में एक सीख बांधती है, और उस नाते मैं तुझे अवश्य कहूंगी कि कोई भी काम ऐसा ना करना जिससे कुल कलंकित हो। राजन, क्या करेगी राजकुमारी चित्रलेखा? कैसे प्रकट करेंगी अपनी मन की बात सम्राट के सामने? क्या तोड़ देंगी मर्यादा, लांग जाएंगी लज्जा की दीवार? या देवी, प्रेम को प्रकट करने के लिए, उसे जताने के लिए ना तो किसी मर्यादा को तोड़ने की आवश्यकता होती, ना किसी शब्दों की सहायता की। बस बेताल, तुम बस अपने मित्र के स्वयंवर की कहानी सुनते रहो, पर घर से ध्यान रहे, कुमारा ग्रहण लगने वाला है, जिसमें जितने भी कुमारे बेताल हैं वो आने वाले 500 वर्षों के लिए जैसे चमगादड़ बन जाएंगे। मस्तिष्क कुमार, ये क्या बात हुई? नहीं नहीं नहीं, मुझे चमगादड़ नहीं बनना है, वो भी 500 वर्षों के लिए बिल्कुल नहीं। पहले राजा भोज का निराकरण करके आता हूँ, उसके बाद निपटूंगा इस कुमारा ग्रहण योग से। प्रेम तो हलवा है जिसे कोई भी उठाएगा और गप से खा जाएगा। बेताल देवी, देवी, अच्छा माँ, देवी क्षमा, देवी अगर आप अनुमति दे तो मैंने ना राजा भोज की प्रशंसा में कुछ पंक्तियां लिखी हैं, बड़ी मेहनत से मैं सुनाना चाहता हूँ, मैं निवेदन कर रहा हूँ, मुझे अनुमति दीजिए ना। ठीक है, सुनाओ। धन्यवाद देवी, धन्यवाद।
हाँ तो राजन सुनिए मेरी पंक्तियाँ। एक था राजा महा हठी, जीवन में उसके एक घटना घटी, चला पता उसको कि है एक सिंहासन, पाने के लिए फिर उसको उसका मचल उठा मन, सोचा उसने के इस सिंहासन पर अब मैं बैठूंगा और फिर सारी दुनिया के सामने ऐसे बैठूंगा। पर वो राजा भूल गया कि पथ बहुत है विकट, इतना आसान नहीं है पहुंचना उस सिंहासन के निकट, क्योंकि उस सिंहासन का रक्षक है एक बेताल, जो गलने नहीं देगा कभी उस राजा की दाल। अच्छा देवी, फिर क्या हुआ? राजन, राजकुमारी चित्रलेखा सम्राट से मिलने पहुंची और देवी, आप यहां? जहां संगीत वहां सरगम, जहां दिया वही बाती, और जहां कंठ वही वाणी। आपकी बातों में तो कविता झलक रही है। ये कहकर आपने हमें धन्य कर दिया। क्यों नहीं, जो कोई भी आपकी पंक्तियां सुनेगा वो यही कहेगा कि आप अच्छी कविता सुनाते। किंतु आज तक हमने अपनी कविता किसी को सुनाई नहीं, सबसे छुपा कर रखा। वो क्यों? क्योंकि आप जो हमें नहीं मिले थे। ऐसा क्यों? क्योंकि आज तक हमें कोई ऐसा मिला ही नहीं जो हमारी कविता के माध्यम से हमारे हृदय के भाव समझ सके, हमारे जीवन की कामनाओं को समझ सके। किंतु आज हमें ये विश्वास हो गया है कि यदि आप हमारे शब्दों को अपना संगीत दें, तो जहां एक ओर जीवन में कविता के रूप में हमारी भावना जाग उठेगी, तो वहीं एक ओर हमारा जीवन भी खिल उठेगा। तो क्या ये उपकार आप हम पर करेंगे? उपयोग नहीं, सहयोग। तो क्या आप हमारे सहभागी बनेंगे? स्वार्थ। सहभागी होने के लिए धन्यवाद। बचपन बीता यौवन आया, प्रेम ने अपना गीत गाया, खोजा ढूंढा बहुत प्रेम को, जब नहीं मिला तो उदास निराश, कौन होगा हमारा प्रेम, कहां मिलेगा हमारा अपना प्रेम। तब मन ने हमारा सर सहलाया, एक रूप हमें दिखाया, और देखो भाग्य हमारा, हमने सामने उसको पाया। आज है हमने उसको पाया, ये किसके लिए है संबोधन? क्यों लग रहा है ऐसा कि मानो हमें ही सवालों के घेरे में खड़े कर दिए गए? राजन, राजकुमारी चित्रलेखा ने बिना किसी मर्यादा को तोड़े अपने मन के भाव को
सम्राट के समक्ष प्रस्तुत किया, परंतु ये देखकर मार्तंड का मन शंका से भर उठा। वाह वाह गोलू वाह, मजा आ गया। वाह गोलू गोलू, मस्तिष्क कुमार तुम? यहाँ कस्य कुमारा ग्रहण योग लगने में सिर्फ कुछ घस घंटे शेष हैं और तुम गोलू में बस व्यस्त हो। एक बस बेतालनी है जो शायद मैं से मान जाए, लेकिन तुम इसे इनकार तो नहीं करोगे ना? नहीं करूंगा, क्यों करूंगा? कोई इनकार करके मुझे चमगादड़ बनकर थोड़े ही रहना है। कोई भी होगी, कैसी भी होगी, मैं सगाई करने के लिए तैयार हूँ मस्तिष्क कुमार। ठीक है गोलू, मैं चला। बार बार डरा जाता है गोलू। मार्तंड तो था ही अवसरवादी, इसलिए उसने इस मिलाप के संबंध में सम्राट से कोई प्रश्न भी नहीं किया। समझा दे, मार्तंड ये जानता था कि जिसके साथ वो ऐसा कर रहा है वो धर्मप्रिय है और जो कर रहा है वो अधर्म। हाँ राजन, उसे भय था पूछताछ से कि कहीं सम्राट विक्रमादित्य क्रोधित हो गए तो सब बिगड़ जाएगा, इसलिए उसने उस बात की अनदेखी की। तो क्या सम्राट भी उसकी चतुराई को समझ नहीं पाए, या फिर वो भी जानबूझ कर? दोनों में से कुछ नहीं। दोनों में से कुछ नहीं? नहीं, क्योंकि सम्राट विक्रमादित्य रात भर राजकुमारी चित्रलेखा की कविताएं समझने में ही लगे रहे। बचपन बीता यौवन आया, प्रेम ने अपना गीत गाया, खोजा ढूंढा बहुत प्रेम को, जब नहीं मिला तो उदास निराश, कौन होगा हमारा प्रेम? तब मन ने हमारा सर सहलाया, एक रूप हमें दिखाया, और देखो भाग्य हमारा, हमने सामने उसको पाया। कौन था उस कविता का प्रेमी? कहीं राजकुमारी का संकेत हमारी और तो नहीं था? नहीं नहीं, हम नहीं हो सकते, हम कैसे हो सकते हैं? पर जब हम नहीं है उस कविता के पात्र, तो फिर हमें सुनाने का क्या अर्थ? समझ में नहीं आ रहा है कि यह हमारा भ्रम है या फिर। इसी उधेड़ भुन में सम्राट की पूरी रात बीत गई। उनका ध्यान तब टूटा जब प्रातःकाल स्वयंवर का बिगुल बजा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.